नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल का अंडरस्कोर स्कूल में। मैं हूं आप सभी का होस्ट आकाश। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल नोटिफिकेशन आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। तो दोस्तों, आज हम आप सभी के लिए लेके आए हैं, जैसा कि आप देख रहे हो, हम एक गाड़ी के अंदर बैठे हैं और गाड़ी है टाटा टियागो। तो आज इसका डिटेल्ड रिव्यू करने वाले हैं। गाड़ी चल चुकी है 89,000 किलोमीटर्स, यानी कि ऑलमोस्ट 90,000 किलोमीटर ये गाड़ी चल चुकी है। उसके बाद इस गाड़ी का डिटेल रिव्यू करेंगे, आपको बताएंगे क्या प्राइस रहना चाहिए इस कंडीशन की गाड़ी का और कैसी है फिलहाल ये चलने में, क्या हमें सेकंड हैंड ये लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं, काफी इंटरेस्टिंग वीडियो रहने वाली है, एंड तक देखिएगा। सबसे पहले शुरुआत करते हैं गाड़ी की से, तो कुछ इस प्रकार की आपको इसके अंदर की देखने के लिए मिल जाती है। इसके अंदर आपको मिल जाता है लॉक का बटन, अनलॉक का बटन और ये है आपकी फॉलो मी हेडलैम्प्स। तो कुछ ऐसा इसका रिमोट मिल जाता है और ये आप देख रहे हैं टाटा टियागो। गाड़ी जो है 2017 का मॉडल है और जैसा कि आप देख रहे हो कंडीशन वगैरह में भी गाड़ी काफ़ी अच्छी है। जैसा कि आप देख रहे हैं गाड़ी चल चुकी है 90,000 किलोमीटर्स और इसकी बात की जाए तो ये गाड़ी जो है 2016 में लॉन्च हुई थी टाटा टियागो। और ये आप इसका 17 मॉडल देख रहे हैं, XZ वेरियंट है। टॉप मॉडल से एक मॉडल नीचे है XZ जो है, टॉप मॉडल इसके अंदर आता है XZ प्लस, बाकी मैनुअल में XZ प्लस है ये। और पेट्रोल वेरिएंट है गाड़ी का, गाड़ी के अंदर आपको कंपनी फिटेड अलॉय व्हील्स मिल जाते हैं जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। और बाकी इसकी टेस्ट ड्राइव वगैरह भी करेंगे और आपको बताएंगे ये गाड़ी चलने में कैसी है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, तो कुछ इस प्रकार का गाड़ी का फ्रंट से लुक मिल जाता है। सेंटर में मिल जाएगा आपको टाटा का लोगो और नीचे में मिल जाती है आपको फॉग लाइट्स और ये आप देख रहे हैं इसकी हैलोजन हेडलैम्प्स, जिसके अंदर आपको टर्न इंडिकेटर देखने के लिए मिल जाता है। प्रोजेक्टर वगैरह इसके अंदर नहीं देखने के लिए मिलता है। 2017 के बाद इस गाड़ी के अंदर आया था फेसलिफ्ट और उसके अंदर आपको देखने के लिए मिल जाते हैं प्रोजेक्टर वगैरह। बाकी साइड प्रोफाइल की बात करें तो कुछ इस प्रकार की गोल मटोल सी गाड़ी लगती है ये देखने में। और मजबूती के मामले में आप जानते हैं टियागो 4-स्टार ला चुकी है। टायर्स की बात करें तो इसके टॉप मॉडल में आपको 14 इंच के टायर्स मिलते हैं और ये आप एलॉय व्हील देख रहे हैं कंपनी फिटेड, लोगो निकल के इसका भग चुका है। और कुछ इस प्रकार के आपको एलॉय व्हील्स मिल जाते हैं। डिज़ाइन वगैरह की बात करें तो इतना अच्छा डिज़ाइन नहीं है एलॉय व्हील का। और ये आप देख रहे हैं गाड़ी के साइड में जिन पे आपको टर्न इंडिकेटर भी देखने के लिए मिल जाता है। कुछ इस प्रकार के डोर हैंडल्स देखने के लिए मिल जाते हैं। और अब बात कर लेते हैं गाड़ी के बैक प्रोफाइल की, तो जैसे कि आप देख रहे होंगे XZ मॉडल के अंदर आपको पीछे रियर वाइपर देखने के लिए मिल जाता है और ऊपर मिल जाती है आपको हाई माउंटेड स्टॉप लैंप्स। और ये आप देख रहे हैं इसके रियर स्पॉइलर कुछ इस प्रकार से इसके अंदर आते हैं और आप एक्सेसरी में भी इनको किसी भी टियागो के अंदर लगवा सकते हैं। टियागो की बैजिंग, टाटा का लोगो और इधर आपको मिल जाएगी XZ मॉडल की बैजिंग। बूट की बात करें तो या तो आप खोलना पड़ेगा इसको आगे से और लीवर को उठा के, या फिर आपको यहाँ से की से खोलना पड़ेगा। इसके अंदर रिमोट ऑपरेटेड या फिर यहाँ पे बटन वगैरह नहीं दिया गया है। तो कुछ इस प्रकार से गाड़ी का बूट खुल जाता है। और बूट की बात करें तो बूट के अंदर आपको ठीक ठाक स्पेस मिल जाता है। और आपको बता देते हैं कि CNG पे ये गाड़ी इतनी कोई खास अच्छी परफॉर्मेंस नहीं देती है, तो इसलिए CNG लगवाने की इस गाड़ी के अंदर बिल्कुल ना सोचें। ये आपका बूट का हैंडल और कुछ इस प्रकार का बूट स्पेस देखने के लिए मिल जाता है। बाकी बात की जाए स्पेयर टायर की तो वो आपको रिम ही देखने के लिए मिलेगा। और साइज़ की बात करें तो वो आपको 14 इंची का मिल जाएगा। और बूट के अंदर आपको एक लाइट देखने के लिए मिल जाती है, पर लाइट की इतना कोई खास रोशनी आपको बूट के अंदर देखने के लिए नहीं मिलेगी। बूट काफ़ी लो है तो थोड़ा एक्सेस करने में प्रॉब्लम का सामना जरूर करना पड़ता है। और पीछे आपको मिल जाता है रियर डिफोगर, जैसा कि आप देख रहे होंगे ये रियर डिफोगर है। ये हैं इसकी टेल लाइट्स, इसमें भी आपको सारे हेलोजन ही मिलते हैं, LED वगैरह देखने के लिए नहीं मिलेगा। कुछ इस प्रकार से स्टॉप लैंप जल जाती है। और पीछे पार्किंग सेंसर्स देखने के लिए मिल जाते हैं इसके टॉप मॉडल के अंदर, जैसा कि आप देख रहे होंगे ये 4 पार्किंग सेंसर्स मिल जाते हैं गाड़ी के अंदर। गाड़ी की फ्यूल लिड, और अब इसको अनलॉक करते हैं। तो पीछे के डोर्स वगैरह की बात की जाए तो ड्यूल टोन गाड़ी के अंदर इंटीरियर देखने के लिए मिल जाता है। हैंडल्स जो हैं क्रोम फिनिश में मिल जाते हैं। आपको पीछे ट्विटर्स देखने के लिए मिल जाएंगे, स्पीकर आपको गेट पे मिल जाएंगे और ये आपको बोतल होल्डर, बाकी ये पावर विंडो के कंट्रोल्स और डोर हैंडल। सीट कवर्स आफ्टर मार्केट हैं, हेडरेस्ट आपको गाड़ी के अंदर देखने के लिए नहीं मिलता है टियागो में। और पीछे के जो हेडरेस्ट हैं वो भी आपको फिक्स मिलेंगे पीछे के दोनों। ये आपके ग्रैब हैंडल्स हैं कुछ इस प्रकार के, और ये आपकी रीडिंग लाइट जिसके अंदर आपको LED देखने के लिए मिल जाती है। और कुछ इस प्रकार से गाड़ी का
फ्रंट का लुक आता है। पीछे आपको एक बोतल होल्डर देखने के लिए मिल जाता है जैसा कि आप देख रहे होंगे। तो चलिए अब आगे चलते हैं, स्पेस वगैरह की बात कर लेते हैं। तो आगे की सीट इस टाइम फुल पीछे है और पीछे स्पेस बिल्कुल भी नहीं बच रहा है। बाकी 5-10 के दो बंदे आगे पीछे काफ़ी प्यार से बैठ सकते हैं। और दोस्तों वीडियो में बने रहिएगा, आगे हम आपको बताएंगे कि आपको ये सेकेंड हैंड गाड़ी कितने की लेनी चाहिए और क्या हमें सेकेंड हैंड टियागो लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। बाकी एग्जैक्ट मॉडल के अंदर हाइट एडजस्टेबल सीट मिल जाती है ड्राइवर की। और अब आपको गाड़ी का बोनट खोल के इंजन को दिखा देते हैं, इंजन कैसी कंडीशन में। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कुछ इस प्रकार का आपको गाड़ी के अंदर इंजन देखने को मिल जाता है। इसके अंदर मिलता है 1200 सीसी का 3 सिलेंडर रेवट्रॉन पेट्रोल इंजन जो कि जनरेट करता है 72 bhp और 91 Nm का टॉर्क। माइलेज वगैरह की बात करें दोस्तों तो ये गाड़ी पे कंपनी क्लेम करती है आपको 2021 का माइलेज, पर रियल लाइफ में आपको 15 तक का ही माइलेज ये गाड़ी निकाल के देगी, हाईवे पे 17 तक दे देती है। और बाकी इंजन में वाइब्रेशंस वगैरह काफ़ी हैं इसमें और आप देख रहे होंगे फिलहाल बारिश आना चालू हो चुकी है। चलिए अब अंदर से इंटीरियर दिखाते हैं, फिर गाड़ी के टेस्ट ड्राइव चालू करते हैं और आपको सारी चीज़ें बताते हैं इस गाड़ी के बारे में। फिलहाल फीचर्स एक्सप्लेन कर रहे हैं। और डोर्स की बात की जाए तो आपको कुछ इस प्रकार की डंडी लॉक अनलॉक करने के लिए मिल जाती है। आगे आपको 4 पावर विंडोज़ मिल जाती हैं, ये आपका दो हैंडल, और आगे स्पीकर यहाँ पे मिलेगा। और ट्विटर की बात की जाए तो ट्विटर आपको गाड़ी के पिलर पे देखने के लिए मिल जाता है। स्पीडोमीटर की बात करें तो कुछ इस प्रकार का स्पीडोमीटर मिल जाता है, सेंटर में मिल जाता है आपको हैजर्ड लाइट का स्विच और कुछ इस प्रकार से इसका स्पीडोमीटर वेलकम करता है। बाकी स्पीडोमीटर की बात की जाए तो इसके अंदर आपको देखने के लिए मिल जाएगा किलोमीटर पर लीटर का माइलेज, एवरेज, रेंज और दो ट्रिप मीटर्स देखने के लिए मिल जाएंगे। बाकी यहाँ से टाइम वगैरह सेट कर सकते हैं। और नीचे आपको मिलेगी इंस्टेंट फ्यूल इकोनॉमी, इधर आपको शो करेगा पेट्रोल, स्पीड, RPM, बाकी की वार्निंग लाइट्स और ये आपका इंजन हीटिंग की वार्निंग। ये हैं आपके वाइपर के कंट्रोल्स और ये हैं आपके लाइट के कंट्रोल्स। स्टीयरिंग व्हील की बात करें तो इसमें आपको हाइट एडजस्टेबल स्टीयरिंग व्हील देखने के लिए मिल जाता है जैसा कि आप देख रहे हो, रीच एडजस्टेबल देखने के लिए नहीं मिलेगा। और म्यूज़िक सिस्टम की बात कर लेते हैं, आप सभी जानते हैं कि टाटा का म्यूज़िक सिस्टम काफ़ी बेहतरीन आ रहा है। फिलहाल साउंड वो सुना देते हैं आपको, रेडियो में जाते हैं। बाकी दोस्तों एक चीज़ आपको बता देते हैं कि इस गाड़ी के अंदर आपको तो फिलहाल इसका जो FM है वो सिग्नल कैच नहीं कर रहा है जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। ये हम एक बार FM 3 पे भी करके देख लेते हैं। और फीचर्स की बात करें तो इसके स्टीरियो के अंदर आपको FM, USB ऑक्स और CD देखने के लिए नहीं मिलेगी, बाकी ब्लूटूथ देखने के लिए जरूर मिल जाती है। और जैसे कि आप देख रहे हो इसके सिग्नल कैच नहीं कर रहा है, तो ये प्रॉब्लम है गाड़ी के अंदर। तो फिलहाल कैच कर लिया और आप साउंड सुनिए। तो साउंड वगैरह की बात करें ना तो 8 स्पीकर म्यूजिक सिस्टम देखने के लिए मिल जाता है जिसमें 4 ट्विटर्स हैं आपके और 4 स्पीकर हैं और काफ़ी बढ़िया साउंड क्वालिटी आपको देखने के लिए मिल जाती है। बाकी यहाँ पे आपको मिल जाते हैं ये रियर डिफोगर का, ये फॉग लाइट्स ऑन करने के लिए बटन, ये इको मोड का बटन और ये आपका स्टीरियो, AC वेंट्स, ये आपके AC के कंट्रोल्स हैं, मैनुअल AC आपको देखने के लिए मिल जाता है, ब्लोअर, ये मोड्स वगैरह सेलेक्ट करने के लिए, ठंडा गर्म के लिए, अंदर बाहर की हवा करने के लिए, ऑन ऑफ करने के लिए। और नीचे आपको मिल जाती है USB ऑक्स और 12V का चार्जिंग सॉकेट, थोड़ा सा स्पीड, 5-speed मैनुअल ट्रांसमिशन, मैनुअल हैंड ब्रेक, 2 कप होल्डर्स, थोड़ा सा कॉइन होल्डर देखने के लिए मिल जाएगा। और स्टीयरिंग व्हील पर आपको माउंटेड कंट्रोल्स मिल जाएंगे, इस साइड आपको मिल जाते हैं ब्लूटूथ के कंट्रोल्स, आप अपना चैनल वगैरह चेंज कर सकते हैं, और इधर आपको मिल जाते हैं वॉइस कमांड के कंट्रोल्स। तो चलिए फिर आप गाड़ी के टेस्ट ड्राइव शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि ये गाड़ी चलती कैसी है। उसके अलावा आपको साइड मिरर्स भी इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल इस गाड़ी के अंदर देखने के लिए मिल जाते हैं। चलिए फिर दोस्तों गाड़ी के टेस्ट ड्राइव शुरू करते हैं। सबसे पहले करते हैं गाड़ी को स्टार्ट। और एक गाड़ी के अंदर जो मेन कमी आपको फेस होगी ना वो ये है, जैसे ही आप गाड़ी को स्टार्ट करते हैं गाड़ी स्टार्टिंग में काफ़ी लंबा सेल्फ लेके स्टार्ट होती है,
और एक बार वो आपको दिखा देते हैं, ये देखो कुछ इस प्रकार से हमने बंद की और अब इसको स्टार्ट करेंगे। तो इतना लंबा सेल्फ लेती है, मतलब ये समझ लो डेढ़ या दो सेल्फ के आसपास की ये गाड़ी स्टार्ट होती है। तो एक ये कमी हमें टियागो के अंदर जरूर फेस करने को मिली है, और मैक्सिमम टियागो के अंदर हमने यही कमी देखी है, आप एक तरीके से मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट भी कह सकते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं गाड़ी के पिकअप वगैरह की। तो पिकअप वगैरह गाड़ी के अंदर ठीक ठाक देखने के लिए मिल जाता है, जैसा कि आप देख रहे होंगे। और हम बेल्ट लगा लेते हैं। बाकी दोस्तों हैंडलिंग वगैरह की बात करें तो थोड़ा सा आपको टियागो के अंदर बॉडी रोल जरूर देखने के लिए मिल जाता है, जैसा कि आप देख रहे होंगे। उसके अलावा स्टेयरिंग व्हील जो है काफ़ी लाइट है, आप इसे एक उंगली से भी घुमा सकते हैं, जैसा कि आप देख रहे होंगे एक उंगली से भी काफ़ी प्यार से ये स्टेयरिंग जो है घूम जाएगा। और बात कर लेते हैं पिकअप वगैरह की। तो पिकअप वगैरह भी गाड़ी के अंदर 3 सिलेंडर का 1200 cc का पेट्रोल इंजन आता है, और उसमें पिकअप वगैरह तो ठीक देती है गाड़ी, पर गाड़ी के अंदर आपको वाइब्रेशंस वगैरह काफ़ी फील देखने के लिए मिलेंगी, काफ़ी ज़्यादा फील होती हैं। फिलहाल बात करते हैं गाड़ी के प्राइस वगैरह की। तो 2017 मॉडल की बात करें तो ये गाड़ी अगर आपको मार्केट में 2 से 2,20,000 या 30,000 तक मिलती है तभी आप इस गाड़ी की तरफ जाएं, क्योंकि गाड़ी की इतनी कोई खास रीसेल वैल्यू नहीं है और प्रॉब्लम्स भी आपको थोड़ी थोड़ी इस गाड़ी के अंदर फेस करनी जरूर पड़ेंगी। बाकी बात की जाए क्या हमें सेकंड हैंड टियागो लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, तो दोस्तों अगर आपको ये गाड़ी पेट्रोल पे मिलती है ओरिजिनल जेन्युइन चली हुई तो आप इस गाड़ी की तरफ जा सकते हैं। उसके अलावा CNG पे हो या कोई प्रॉब्लम वगैरह हो, ज़्यादा चली हुई गाड़ी हो, तो कोशिश करें कि उस गाड़ी की तरफ ना जाएं। और अब बात करते हैं गाड़ी के 0 to 60 की। तो ये आ चुकी है गाड़ी आइडियल कंडीशन में, ये डाल दिया हमने फर्स्ट गियर और 3, 2, 1। तो गाड़ी जो है ऑलमोस्ट 60 पे पहुंच चुकी है, और मतलब जब आप एक्सेलेटर दोगे ना उस टाइम पे हल्का सा लैग आपको जरूर फील होगा। बाकी ब्रेकिंग वगैरह की बात करें तो ब्रेकिंग आपको एकदम इंस्टेंट देखने के लिए नहीं मिलेगी, हल्का सा मतलब कुछ सेकंड का सा आप कह सकते हैं, या कुछ इंटरवल है पेडल दबाने के बाद ब्रेक लगने पर। बाकी हमारी तरफ से थम्स अप है, अगर आपको गाड़ी पेट्रोल पे चली हुई मिलती है तो आप इस गाड़ी की तरफ जा सकते हैं। माइलेज वगैरह की बात करें तो ये गाड़ी आपको सिटी में मैक्सिमम 15 का और हाईवे पे 17 तक माइलेज निकाल के देगी, उससे ज़्यादा आप इस गाड़ी से एक्सपेक्ट ना करें। सस्पेंशन की बात करें तो सस्पेंशन गाड़ी के अंदर अच्छा देखने के लिए मिल जाता है, छोटे मोटे गड्ढे आपको बिल्कुल भी फील नहीं होंगे। और फिलहाल हम गाड़ी को 22 में चला रहे हैं तो विजिबिलिटी वगैरह में भी कोई खास दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा आपको भी, जैसा कि हमें भी नहीं करना पड़ रहा है, काफ़ी तगड़ी बारिश हो रही है। बाकी इंजन की आवाज़ों की बात करें तो वो आपको कैबिन में काफ़ी ज़्यादा सुनने के लिए मिलेगी। ये हमने गाड़ी का वापस सेकंड गियर डाल दिया है, और ये फिलहाल जो है गाड़ी का पिकअप वगैरह जो भी चेक किया हमने सब सिटी मोड में किया, आप जैसे कि देख रहे होंगे इको मोड जो था वो इसका होगा। जब भी आप इस गाड़ी को स्टार्ट करेंगे ना, आपने अगर इको मोड लगाया होगा तो ये बाय डिफ़ॉल्ट गाड़ी जो है सिटी मोड में ही स्टार्ट होगी, और उसके बाद आपको ये मैन्युअली इको मोड में डालनी पड़ेगी। जैसे ही आप इको मोड में डालोगे मीटर के अंदर आपको इको लिखा हुआ आ जाएगा, कुछ प्रकार से इसका इको और सिटी मोड काम करता है। और यहाँ से लेंगे यूटर्न और आपको बताएंगे कि तो ट्रैफिक वगैरह में आपको इतनी कोई खास दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा, काफ़ी कम रेडियस के अंदर गाड़ी जो है मुड़ जाती है। बाकी अगर आपको इस गाड़ी से ज़्यादा माइलेज निकालना है तो आप इसके इंस्टेंट फ्यूल इकोनॉमी जो नीचे आप लेवल देख रहे होंगे उसको देख देख के, आप जो लेवल नीचे दिख रहा है ना इसको देख देख के आप इसमें से माइलेज निकाल सकते हैं। अगर कोशिश करें तो जीत हो सकती है, आपको 20+ भी ये गाड़ी माइलेज दे देगी, और उसके लिए थोड़ा मज़ा चलाना पड़ेगा, इको मोड में चलानी पड़ेगी। तो दोस्तों इतनी थी टियागो की वीडियो, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो टियागो लेने की सोचे उनके साथ शेयर करें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, वंदे मातरम।